निक्की सागर, उम्र 18 साल, टेनिस की शौकीन, हर शाम को 4 बजे टेनिस खेलने जाती है और हर दिन खेल के बाद अकेली घर आती है 4 बजे। तो फिर हमें क्या करना है? बॉस ने कहा है कि कल शाम को जब निकी टेनिस क्लब से घर वापस जा रही होगी तो हमें उसे अगवा करना होगा। कहाँ है ये लड़की? मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। मुझे उसका बर्थडे प्रेजेंट लेने जाना था और 2 घंटे से उसका इंतजार कर। ओह राजेश, पहले चाय तो पी लो। निकी टेनिस खेलने क्लब गई है, आती ही होगी। शायद पैदल आ रही है इसलिए इतना टाइम लग गया। लो, आ गई तुम्हारी निकी। थैंक गॉड। किरण, ये सर तुम जाकर दरवाजा खोलो। यस। आ गई आपकी निकी। निकी मैडम तो वहां नहीं है सर। नहीं सर, मगर उनका ये टेनिस का रैकेट का केस वहां पड़ा हुआ था सर। मगर निकी है कहां? पता नहीं सर। ये क्या? राकेश सागर, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस वीडियो टेप को इसी समय देखो, ना उसका 18वां जन्मदिन आखिरी होगा। मिस्टर राकेश, आप अपनी बेटी की हालत देख रहे हैं। पैसे हमें कल शाम तक मिल जाने चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने पुलिस को बुलाया। अब हम एक और गलती नहीं कर सकते। हम इन्हें पैसे दे देंगे। शायद है तुम समझने की कोशिश करो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और आजकल बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अगर मैं किसी से पैसे लेने की कोशिश भी करूं तो कल शाम तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट? हाँ, वो ट्रस्ट है ना जिसमें निकी के नाम के पैसे पड़े हैं, हम उसमें से 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। नहीं शारदा, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? ये आप लोग किस ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? बनने से पहले मेरे पिताजी निकी के नाम 1 करोड़ रुपए छोड़ गए, और वो 1 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट में, और उसी ट्रस्ट के बारे में शारदा बता रही। वो पैसे निकी की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी शादी करने के लिए, और हम उन पैसों को छू भी नहीं सकते, और हम वो ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते। लेकिन राकेश, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है निकी को बचाने का। मैंने श्रीवास्तव साहब को बुला लिया है। श्रीवास्तव साहब? ये कौन? साहब हमारे ट्रस्ट के वकील हैं, और हम उनकी सलाह के बगैर कुछ नहीं कर। राकेश, इस ट्रस्ट को तोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। राकेश, शारदा ठीक कह रही है, हमें उन लोगों को पैसे दे देने चाहिए, और मैं कल दोपहर तक पैसे का इंतजाम करूंगा। अगर ये ट्रस्ट तोड़ दिया तो निकी के भविष्य का क्या होगा? भविष्य? अगर हम लोगों ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो लोग निकी को मार डालेंगे, और फिर इन पैसों का क्या फायदा? कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा उन लोगों तक पहुंचने का। हाँ, एक रास्ता है उनका रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय। इसे तो खुद मदद की जरूरत है, ये हमारी मदद क्या करेगा? मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि एक आदमी जो ठीक से चल नहीं सकता वो दूसरों की मदद क्या करेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ साल पहले तक मैं भी आप लोगों की तरह ठीक था। उन दिनों मुझे आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड के साथ भेजा गया था। हमारी ड्यूटी बॉर्डर के करीब एक छोटे से गांव में लगी थी। आप देख रहे हैं इन सुरंगों ने हमारे गांव की क्या हालत बना दी है।
छोटे बच्चे, जवान जो भी खेतों में काम करते थे, सबके साथ यह हादसा हुआ है। अब तो हालत यह है कि हम बूढ़ों को इन बच्चों और जवानों की देखभाल करनी पड़ रही है। लेकिन सर, यहाँ पे ये इतनी सारी सुरंगें आई कहाँ से? आज से लगभग 40 साल पहले, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, यहाँ पर जापानी सेना का हमला होने वाला था और उन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके में सुरंगें बिछा दी थी। ज्यादातर सुरंगें निकाल दी गई हैं, मगर अब भी कहीं ना कहीं फटती रहती है। संभल के सर, सुरंगे तो निकाल दी ना। हाँ सर, सर आपने जो काम शुरू किया था उसे खत्म करने में हम लोग कामयाब जरूर होंगे सर। इंस्पेक्टर साहब, हम गांव वाले आपके बहुत आभारी हैं। ये बच्चों ने कुछ तोहफे भेजे हैं। अच्छे ये क्या है? जी, ये मेरे बेटे राज ने बनाई है। है तो 6 साल का, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेता है। बहुत सुंदर है। तस्वीर पर हाथ लगाया, मुझे कुछ दिखाई देने लगा। तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा।
किशन, बच्चे को बचाओ। हमारी स्क्वाड की नजर में नहीं आई, मगर इन वक्त पर मैं वहां पहुंचा और राज की जान बचा ली। लेकिन आपके इस शक्ति का राज क्या है जिसे आप लोगों का भविष्य देख सकते हैं? लगता है सुरंग फटने की वजह से मेरे दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि किसी की भी कोई भी चीज को अगर मैं छू तो मुझे उस इंसान के बारे में सब साफ साफ दिखाई देता है। उसके साथ आगे क्या होने वाला है यह भी मुझे पता चल जाता है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना और उसका भविष्य साफ साफ देख लेना, ये तो कमाल की शक्ति है। कमाल की शक्ति नहीं है, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। कई लोगों का भविष्य इतना खराब होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। कई बार मैंने देखा है किसी की मौत अगले दिन होने वाली है, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। वो मेरे सामने होते हैं, कितने खुश, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन दुख मुझे होता है। मुझे क्यों नहीं देखना मुझे सब कुछ, नहीं देखना मुझे सब कुछ। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। नहीं। राज की जान बचाने के बाद मुझे हॉस्पिटल वापस आना पड़ा। करीब 4 महीने तक मैं वहीं पर था और फिर एक थे। इंस्पेक्टर विजय, आज आपको शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, करूंगा, मगर अपने आप करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। देखता हूं एक हाथ से शेव कर सकता हूं या नहीं। मेरा रिजर कहाँ है? ये रहा। मेरा ही है ना? हाँ, पहले। क्या देखा? क्या देखा? मतलब आपने अपना खून होते हुए देखा है? हाँ, मैंने अपनी मौत देखी है, किसी आदमी को मुझ पर गोली चलाते हुए देखा है। मगर आपको उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो जगह एकदम टूटी फूटी और वीरान है। वहां पर एक घड़ी है जिसमें 2 बज रहे हैं। मुझे अपने मरने का समय पता चल गया है, लेकिन मुझे कौन मारेगा ये मुझे मालूम नहीं। किसी के साथ ऐसा होना कितनी भयानक बात है। उस दिन से मैं अपनी कोई भी चीज को छूता हूं तो मुझे बार बार वही दिखाई देता है। मुझे गोलियां लगती हैं, लेकिन मारने वाला दिखाई नहीं देता। वही जगह, वही घड़ी जिसमें 2 बज रहे हैं। और तब से मैंने ये ग्लव पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे वो शक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो शक्ति मुझे। लेकिन सर अब आपको ये ग्लव उतारना पड़ेगा। निकी को अगवा करने वालों को पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी सर। नहीं श्रीकांत, तुम्हें तो पता है मैं कुछ नहीं करना चाहता। प्लीज इंस्पेक्टर विजय, हमारी मदद कीजिए, मेरी निकी को बचाने में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और अगर इन 24 घंटों में हमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो वो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मेरी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। राकेश जी, ठीक है, आप उठिए प्लीज। राकेश जी प्लीज, आप उठिए, उठिए प्लीज।
आप हमारी मदद करेंगे ना? मैं मदद करूंगा आपकी। आप मुझे निकी की कोई भी चीज लाकर दीजिए। निकी को टेनिस बहुत पसंद है और वो रैकेट हमेशा हाथ में लेके घूमती है। वो चलेगा? हाँ चलेगा। तुम घर जाओ और निकी का टेनिस का रैकेट लेकर आओ। श्रीवास्तव साहब घर पर है, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। श्रीवास्तव साहब वो रैकेट और कैसेट मुझे दे दीजिए। में लगता है इससे कुछ फायदा होगा? वो इंस्पेक्टर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ सर, लेकिन वो इन सब का करेगा? वो इस रैकेट और कैसेट पर हाथ रखकर बता सकता है सर कि निकी कहाँ है? सर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही, वहाँ सब परेशान हो रहा है सर। कहाँ गए थे तुम? 2 घंटे हो गए। ठीक है राकेश जी, आप वो ले आइए। ले आइए शिकार। क्योंकि मुझे आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, बल्कि एक स्पोर्ट्स के सामान की दुकान नजर आ रही है। ये कैसे हो सकते हैं? ये रैकेट तो निकी का ही है। ये रैकेट निकी का नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे वही स्पोर्ट्स की दुकान नजर आ रही है जहाँ से रैकेट खरीदा गया। ये देख रहे हैं, ये देखिए, इस पर निकी का नाम लिखा है, मतलब ये रैकेट निकी का ही है। एक बात और पता चलती है कि ये रैकेट तो असली है मगर आप नकली हैं। शारदा, राकेश बहुत हो चुका, हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। पता नहीं निकी किस हाल में होगी। मैं श्रीवास्तव जी से कहने जा रही हूँ कि वो पैसों का इंतजाम कर दे। I'm very sorry कि मेरी पत्नी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। I'm very sorry. It's all right, राकेश जी, it's all right. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। आप ये रैकेट यहाँ पर छोड़ जाइए, मैं फिर से ट्राई करूंगा, शायद कुछ पता चल जाए। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था ऐसा, कभी नहीं। मैं अपनी किसी चीज को छूकर देखता हूं। Champion Sports, yes, Champion Sports. देखना है इस नाम की दुकान है भी या नहीं। अरे
बार बार दिखाई देती थी। पर अब वही आदमी है जो मुझे बार बार इस दुकान के बाहर दिखते हैं। पर भाई साहब, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। आप इस रैकेट को पहचानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये आज ही कुछ ही देर पहले मैंने एक आदमी को ये रैकेट बेचा है। कुछ देर पहले आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये रैकेट एक ऐसे लड़की का है जो इसे हमेशा अपने पास रखती है। आप क्या समझते हैं मैं अपनी चीज को नहीं पहचानूंगा? जो आदमी से लेने आया था वो बड़ा नर्वस लग रहा था और ऐसे ही रैकेट एक साथ में ले आया था। पर इस पर तो निकी लिखा हुआ है। अब मेरी समझ में आया कि रैकेट को छूने से मुझे निकी क्यों नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ ये दुकान ही क्यों? क्या आपको उस आदमी का हुलिया याद है? क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? यही कि रैकेट निकी का नहीं बल्कि एक नया रैकेट है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपको गलत चीजें दिखाई दे। यस, और मुझे यह भी पता है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि उस दुकान वाले ने उस आदमी की शक्ल देखी थी। कौन है वो? वो है आपका असिस्टेंट किरण। क्या? किरण? अब मुझे पता चला कि मेरे घर से आपके घर तक पहुंचने में उसको इतनी देर क्यों लगी। राकेश जी, इस वक्त किरण कहां होगा? वो आज आया ही नहीं। अच्छा, आपके पास उसके घर का एड्रेस है? मैं अपने ऑफिस में फोन करके पूछता हूं। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूं। वो मेरा जो असिस्टेंट है किरण, उसका एड्रेस देना। हाँ हेलो, हाँ मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूं। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सुनो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। जी मुझे पता है वहां से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। जी। कौन था मुकुल? बॉस थे। बॉस, अब क्या परेशानी हो गई यार? कल ले तो बड़ी मुश्किल से वो रैकेट मिला था, वो एकदम निकी के रैकेट के जैसा। वो दुकानदार तो मुझ पर शक कर रहा था कि मुझे वैसा ही रैकेट क्यों चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसे पटाया यार मैं। वो अपने प्लान में कोई चेंज तो नहीं है? जरा सा बदला तो है। हमारे प्लान के मुताबिक तुझे मरना होगा। तुझे मरना होगा। यही कहीं होना चाहिए। विदाम से पहले यहां पहुंच गया, मगर वो अपने साथ ये असली रैकेट ले जाना भूल गया। असली रैकेट? हाँ, ये निकी का रैकेट है। अब हमें पता चल सकेगा कि उन गुंडों ने निकी को कहां छुपा रखा है। Thank you.
छूने को दिखाई दे रहे थे। जिससे हमें यह पता चल सके कि वो जगह है कहां। कोई 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 पुरानी मिल जैसी है, शायद बंद पड़ी हुई है। हेलो, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक साथी को मारना पड़ा। देखिए राकेश साहब, अगर हमें शाम तक पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। आज रात 9:30 पर बेलार स्ट्रीट पर पैसे लेकर पहुंच जाना। कोई चालाकी नहीं करना, समझे? अगर मुझे जरा भी शक हुआ तो तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। अब हमें क्या करना चाहिए? राकेश, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। हाँ राकेश जी, श्रीवास्तव साहब ठीक कह रहे हैं। अब हमारे पास और वक्त नहीं कि हम कुछ और करने की सोच सके। आप पैसे लेके बैलेट स्ट्रीट पहुंचिए, हम दूर से ही आप पे नजर रखेंगे। नहीं, राकेश के साथ कोई नहीं जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। मैं निकी की जान और खतरे में नहीं डाल सकती। हाँ, वो लोग हमसे एक कदम आगे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी हर बात का पता उन्हें पहले से लग जाता है। कैसे पता नहीं। राकेश, यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक से देखो राकेश, कोई तो होना ही चाहिए। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा, सड़क भी खाली है। अब मैं क्या करूं? कोई आ रहा है। कौन है वो? कौन है? पता नहीं, कोई लग रहा है। मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। राकेश है ना? हाँ। ले, ये ले। जिस आदमी ने मुझे ये दिया था ना, उसने कहा था तू मुझे 50 रुपए देगा। 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए। हेलो, उसने मुझे एक पेपर दिया। पेपर? लिखा हुआ है। पेपर पर लिखा है? क्या लिखा है? गाड़ी छोड़कर चुपचाप सामने की तरफ चलो। बहुत चालाक है ये लोग। राकेश, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करो। और एक काम करो, वो पेपर वहीं पर फेंक दो। पेपर फेंक दो।
सामने एक आदमी है, वो मेरी तरफ देख रहा है, उसके उसके हाथ में बंदूक भी है। हमने तुम लोग को मना किया था ना कि हमारे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। मना किया था ना तेरे को, मना किया था ना, मना किया था ना। कभी गलती नहीं कर सकते, फिर भी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी तो ठीक है ना? अरे घबराता काय को है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। इतने सारे पैसे, मजा आ गया। आधे पैसे बॉस को देने के बाद ही हम दोनों आराम से रह सकते हैं। एकदम सही बात है। राकेश को लोग यही लेकर आए। बिल्कुल चारों तरफ से घेर लो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। सीधी तरह से अपने आप को हमारे वाले कर दो, भागने का कोई रास्ता नहीं, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्रीकांत गोली क्या होती तरफ से आई है, जल्दी चलो। श्रीकांत, श्रीकांत निकी यही कहीं होगी, ये वही जगह जहां मैंने उसे बेहोश पड़ा देखा था। निकी, 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 मम्मी, निकी, सर यहाँ देखिए। साथी ने इसका खून कर दिया है, राकेश को भी साथ में ले गया, लेकिन बचकर कहां जाएगा? मैं बाहर देखता हूं।
जिंदा रहना ठीक नहीं है। एक करोड़ से मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाती, लेकिन पता नहीं तुम कहां से आ गए। मुझे मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। आखिर आखिर तुम आओ कहां? अब तक नहीं पहचाना मुझे? थैंक गॉड सर, आपको होश आ गया। राकेश ने निक्की को अगवा क्यों करवाया? निक्की के नाम पे जो 1 करोड़ रुपया रखा था, ट्रस्ट में, उन्हीं पैसों के लिए राकेश ने ये सब करवाया। उसे इतने पैसों की क्या जरूरत थी? एक्चुअली राकेश को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे उसे। और मैं और श्रीकांत आप पर शक कर रहे थे। मुझे तो राकेश पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने छानबीन करवाई और असलियत सबके सामने। खैर आप सब कुछ छोड़िए सर, केस तो खत्म हो गया सर, आपके हाथ की शक्ति ने पकड़वा दिया सबको। टॉप करने के बाद भी नहीं उदास लग रहे हो? अरे राज,
टॉप करने का क्या फायदा? यूनिवर्सिटी इस साल स्कॉलरशिप नहीं दे रही। मतलब यह है कि बिना स्कॉलरशिप के मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। और 14 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा यार? यार विवेक, फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो तेरी मदद कर सकेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ पिताजी थे जो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। कुछ साल पहले कोरोना हॉस्पिटल के चैरिटी वार्ड में उनकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं आपके सपने साकार न कर सका। शंभू काका साहब, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात को कौन है? उसने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब सा आदमी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर हैं, और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है, जैसे हॉस्पिटल से आती है साहब। तो तुमने भगाया नहीं उसे? साहब, उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। क्या? उसने कहा कि अगर आप वो सुन लेंगे ना, तो उसे जरूर मिलेंगे। क्या कहा उसने? 16, 11, 77 ये नंबर याद है ना विनय? या भूल गए? 16, 11, 77 इस नंबर को तुम कैसे जानते हो? और कौन हो तुम? कौन हो? बहुत जल्द जान जाओगे। शंभू काका, आप जरा बाहर जाइए, मुझे कुछ बातें करनी है इससे। अंदर से बंद था और शंभू बाहर था, तो फिर खूनी गया किधर? इंस्पेक्टर धर्म। यस सर।
आपको क्या लगता है ये खून क्यों किया गया होगा? सर, नौकर का कहना है कि आज सुबह विनय ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे और उसमें से खूनी 4 लाख रुपए ले गया है और बाकी के 1 लाख रुपए यहाँ पर है सर। साहब, मैंने साथ में पहले कभी नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा साहब। मैंने बताया ना वो कैसा दिखता था, और वो बदबू जैसे अस्पतालों में से आती है साहब, वैसी बदबू थी। हाँ, तुमने उसका हुलिया अच्छा बताया। धर्म, कंट्रोल रूम में खूनी के हुलिये के बारे में बता दिया है? जी सर, 1 घंटा पहले। अब तक तो पुलिस की एक एक जीप उसकी तलाश में निकल पड़ी होगी। और सर, ऐसे अजीब हुलिये वाला आदमी तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा सर। That's true. क्या बता सकते हैं कि खून किसने किया होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। वो खूनी मिल गया है सर। अच्छा, कहाँ पर? दूसरों स्ट्रीट पर सर, एक बिल्डिंग के पास। हुलिया मिलता है? जी हाँ सर, एकदम वैसा ही है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। धर्म, खूनी मिल गया कुछ सौ स्ट्रीट में किसी बिल्डिंग के पास। तुम यहीं रुको और इस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढो। मैं कुछ सौ स्ट्रीट जाता हूँ। सर, खूनी मिल गया मगर इसके पास तो पैसे नहीं मिले। सर, जैसा हुलिया बताया था इस आदमी से एकदम मिलता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। इसे किसने मारा है? सर, मैं पुलिस डॉक्टर हूँ। आपके आदमी कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने किसी का खून किया है। हाँ, क्यों? ये आदमी किसी का खून कर ही नहीं सकता। किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आदमी करीब 24 घंटे पहले ही मर चुका है। ये वही आदमी है जो आज हमारे घर पे आया था। ये हो ही नहीं सकता। देखिए, ये नंबर देखिए। इस नंबर का मतलब? ये नंबर जिंदगी का आखिरी नंबर होता है, इसके बाद किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब ये कि ये मुर्दा घरों में मुर्दा पहचानने के लिए नंबर दिया जाता है, और ये पुराना हॉस्पिटल का मुर्दा है। पुराना हॉस्पिटल? लाश यहाँ की है, पुराना हॉस्पिटल। जी हाँ। आप कौन है? मैं रक्षा पाठक, इस हॉस्पिटल की एक ट्रस्टी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मुर्दा इसी हॉस्पिटल का है, राइट? जी हाँ। मगर कल रात को तकरीबन 8:30 बजे ये यहाँ से अचानक गायब हो गया था। 8:30 बजे और 9 बजे विनय का खून हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विनय का खून इस लाश ने किया है? देखिए, मैं जानता हूँ कि मरा हुआ आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन विनय के नौकर ने इसे पहचाना है। और फिर ये देखिए, इस पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। सर, इंस्पेक्टर धर्म। सर, मैंने विनय के बारे में पता लगाया है तो ये पता चला है कि 2 साल पहले उसके पास 1 भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? मगर उसके रहन सहन से तो ऐसा नहीं लगता था। और फिर उसके घर से 4 लाख रुपए भी तो चोरी हुए हैं। लेकिन सर, 2 साल पहले वो इतना गरीब था कि उसे अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसी हॉस्पिटल में? हाँ। और यहाँ से निकलने के बाद वो रातों रात अमीर हो गया। कोई भी रातों रात इतने पैसे कैसे कमा सकता है? एक मिनट, क्या वो यही इसी अस्पताल में दाखिल हुआ था? जी, इसी हॉस्पिटल। किस वार्ड? चैरिटी वार्ड नंबर 33। क्यों रक्षा जी, चैरिटी वार्ड नंबर 33 में ऐसी क्या बात है? चैरिटी वार्ड
वार्ड नंबर 33 में भूत है। रक्षा जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वार्ड नंबर 33 में भूत है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना इंस्पेक्टर मदन, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब घटनाओं से आपका मतलब? अजीब आवाजें, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है, चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे सामने से कोई चला रहा हो। आपका मतलब है वार्ड नंबर 33 का भूत? हाँ। वो अचानक ही सामने आ जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। रक्षा जी, ये सब बकवास है, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन पर वार्ड नंबर 33 में आंखों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक मरीज की पट्टी उतार रहे थे, मैं भी वहां थी। आंखें खोलो, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर। अच्छा, तो ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 2। और यहां पर कितने लोग खड़े हैं? 5। 5? पर यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक से देखो। नहीं, एक वहां पे भी है। कौन हो तुम? ठीक तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो? आपकी इस कहानी पर विश्वास करना सर मुश्किल है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सब सच है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हुई थी, चीजें अपने आप हिली थी, और कल रात को भी यही सब कुछ हुआ। क्या हुआ था? कल रात को हर रोज की तरह 8:30 बजे मैं अपने रूटीन लाउंज पर तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, चीज अपनी जगह पे हिलने लगी, और वो भूत। रक्षा जी, मैं आपकी ये सब बातें कैसे मान लूं? हेलो, कौन? आकाश? हाँ यार, मैं मधु बोल रहा हूँ।
आज का अखबार पढ़ा? नहीं यार, विनय का खून हो गया। क्या? मुझे तो डर है कि कहीं इस खून का हमारे अतीत से कोई संबंध तो नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ शायद तू ठीक कह रहा है। जब मैंने विनय की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं वो हमारी पिछली करतूतों का शिकार तो नहीं हो गया। मधु, तू बेकार ही डर रहा है। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार, तेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना घर समझ कर बैठा हुआ था यार। लेकिन मस्त जगह है यार। यकीन नहीं आता कि 2 साल पहले तेरे पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे। राज, ये सब कमा लिया यार तूने। इतने कम समय में इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमा लिया यार? छोड़ यार, सब वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की। अजीब बात है क्या? इतनी सुंदर जगह है पर कुछ अजीब से बदबू आ रही है, जैसे जैसे अस्पतालों में आती है। क्या बकवास कर रहे तू? अरे मैंने विलायत से मंगवाया हुआ परफ्यूम छिड़का यहाँ पर, तू कह रहा है कि अस्पताल की बदबू आ रही है? यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तेरे को बदबू आ रही है? चल निकल मेरे घर से। क्या? निकल मेरे घर से। क्या कह रहा है? जल्दी निकल, जल्दी। अरे खड़ा मत हो, मेरे घर कभी आइए। क्या बात? आज के बाद कभी मत आइए मेरे घर। मेरे घर बदबू आती है। बदबू आती है इसको, परफ्यूम को अस्पताल की बदबू कहता है। इस कमरे में बदबू तो आ रही है, अगली बार नया परफ्यूम लेकर आऊंगा। अरे आप मुझसे बात करें। कौन है तुम? चेहरा ना सही मगर नंबर तो तुम्हें याद होगा मधु। नंबर? हाँ नंबर 16 11 77। इस नंबर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? कौन है तुम? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और आज मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। एक और खून हो गया, कोई मधुनाय नाम का। सर, क्या ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे विनय का हुआ था? बिल्कुल वैसे, वही अस्पताल में आने वाली खून और वही तिजोरी से सिर्फ 4 लाख रुपए गायब हो जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। सर, ये खून हुआ कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुराना हॉस्पिटल में फोन किया था और करीब 1 घंटा पहले वहां से एक मुर्दा गायब हो गया। क्या? मुर्दा गायब? मगर एक मुर्दा अपने आप चलकर गायब कैसे हो सकता है? लगता है पिया हुआ है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? काम हो गया, काम हो गया। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। पिस्टल है जिससे मधु का खून हुआ।
और इस पर इस आदमी की उंगलियों के निशान। डॉक्टर मदन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि खून थोड़ी देर पहले हुआ है, मगर ये लाश तो पिछले दो दिनों से इसी मुर्दा घर में पड़ी हुई है। यहीं दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से एक मुर्दा निकलता और खून करता है। मुर्दे भी लोगों को मारने लगे। जब जब वार्ड नंबर 33 में भूत दिखाई देता है, तब तब यहाँ से कोई ना कोई मुर्दा गायब हो जाता है। अच्छा, शायद वो भूत इन मुर्दों में घुसकर इनसे खून करवाता है। आपको पता है, जिस आदमी को ये लाश मिली थी उसने भी यही कहा कि इसमें से किसी चीज को उसने निकलते हुए देखा। एक शायद काम का टेंशन हमें कुछ ज्यादा ही हो, इसलिए हम ऐसे बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि खून क्यों हो रहा है। एक और बड़ी अजीब बात है, विनय की तरह मधु भी इसी अस्पताल में भर्ती था, वार्ड नंबर 33। ऐसे मरीजों को दाखिल किया जाता है जो अपने इलाज का खर्चा खुद नहीं दे पाते। विनय और मधु ने भी 2 साल पहले इसी वार्ड में इलाज करवाया था। हाँ, वहां था विनय, यहां मधु, और इस बेड पर एक मरीज था जिसका नाम था संजीव। संजीव, वो आजकल कहां है? वो अब जिंदा नहीं। संजीव की मौत इसी वार्ड में। और इस चौथे बेड पर कौन? इस बेड पर कोई आकाश वर्मा नाम का आदमी अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन भर्ती होने के 2 दिन बाद ही वो अस्पताल से चला गया। और हाँ, विनय और मधु ने भी अस्पताल उसी दिन छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग। ये मिस्टर आकाश वर्मा का कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपके रिकॉर्ड में होगा? हाँ। अरे आकाश जी, ये सब क्या है और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मुझे हार्ट अटैक हो गया है। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, आपको किससे डर? ये सब मैंने संजीव से बचने के लिए किया है। संजीव से? उसने विनय और मधु का खून कर दिया है। अब मेरी बारी है। संजीव ने विनय और मधु का खून किया? ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए मैंने सारे पैसे मार दिए, पूरे के पूरे 4 लाख। 4 लाख? मिस्टर आकाश, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप संजीव से इतना डरे हुए? मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। हम तीनों, यानी विनय, मधु और मैं, खुराना हॉस्पिटल के चैरिटी वार्ड नंबर 33 में भर्ती थे। डैडी, डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी लेकर आ गया। आज का अखबार लाओ बेटा। हाँ, ये लीजिए। संजीव, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, मगर आज तक तुम्हें अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा। जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो, तुम्हें अखबार पढ़ने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। बस है कुछ बात। अच्छा भाई, अपनी बात अपने पास ही रहने। मैंने हॉस्पिटल के बाहर ही एक अखबार वाले को कह दिया है, वो हर रोज तुम्हें एक अखबार दे जाया करेगा। अच्छा डैडी, कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। अच्छा। रुक बेटा, मुझे भी काम पे जाना है। संजीव, बाद में आता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलो। ओके डैडी। आखिर तुम्हें इस पेपर में चाहिए क्या? चलो आज तुम्हें राज की बात बता ही देता हूं। जानते हो 15 नंबर पेज पे क्या होता है? नहीं, क्या होता है?
15 नंबर पेज पे लॉटरी का रिजल्ट छपता है। ओह, तो तूने लॉटरी का टिकट खरीदा है? हाँ। ये रहा टिकट, मुझे 16 लाख का इनाम मिलेगा और उन पैसों से मैं अपने बेटे विवेक को आगे की पढ़ाई के लिए विलायत भेजूंगा। क्या क्या है? एक लॉटरी के हजारों टिकट बिकते हैं, तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम ही जीतोगे? तुम देखना, मैं ही जीतूंगा। ये टिकट मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि इसका नंबर 16-11-77 है। 16-11-77? 16 नवंबर 1977 मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो मेरे लिए बहुत लकी है। तुम देखना, मैं ही जीतूंगा। नतीजा कल निकलेगा। अरे आप लोग सुबह सुबह कैसे? बस वैसे ही घूमने निकल रहे हैं। क्या आप ये पेपर संजय साहब को दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, जरूर दे देंगे। यार आज तो संजीव को लाने का रिजल्ट क्या बैठा उसका? 16-11-77 तो बैठे लग गई। दो हजार एक और नहीं देखे और ये 16 लाख एक साथ ले जाएगा। आश, लॉटरी उसी को मिलती है जिसके पास टिकट होता है। चलो। इसके पास हो रहा है यार, निकालना तो पड़ेगा ना। अच्छा हो गया तुम टाइम पे आ गए, वरना ये लोग तो मुझे वो लॉटरी के पैसों के लिए मारने वाले थे। हाँ, लॉटरी
अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचते तो ये लोग तो मुझे मार नहीं डालते। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि खून करके बच जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हमने पैसों के चार हिस्सों में पांच रुपए रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो रवि। रवि क्या जल्दी करो, कहीं को यहां से जल्दी करो। माय गॉड, तुम चारों ने मिलकर संजीव का खून कर दिया? हाँ, और लॉटरी के पैसे चारों ने आपस में बांट लिए, चार चार लाख रुपए। और अब किसी तरह संजीव वापस आ गया है। ऐसे भी वापस ले जा रहा है। आपको मुझे बचाना होगा इंस्पेक्टर साहब, बचाना होगा। मिस्टर आकाश, जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। सर, हमारे आदमी रवि को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, उसका घर बंद है और आकाश के पास भी एक कांस्टेबल को छोड़ा हुआ है। बट लेकिन एक बात का मुझे यकीन नहीं होता, एक मरे हुए इंसान की आत्मा मुर्दा घर में मुर्दों के शरीर में घुस रही है और अपना बदला ले रही है। इट्स इम्पॉसिबल, बहुत अजीब बात है। हाँ अजीब है, लेकिन इन सब मौतों का संजीव से संबंध है। वो आत्मा संजीव की ही है। प्लीज प्लीज आप अपनी आत्मा की थ्योरी अपने पास रखेंगे। विनय और मधु के घर से चार चार लाख रुपए गायब हुए, आखिर ये पैसे गए तो गए कहां? हाँ ये बात तो है, फिर एक आत्मा का पैसों से क्या था? आप संजीव कहाँ रहता था जानते हैं? हाँ, उसका घर खुशरो स्ट्रीट में है। बेटा विवेक अब भी वहीं रहता है। ये तो वही जगह है जहाँ से हमें मुर्दा घर की दो लाशें मिली। मुझे संजीव के बेटे विवेक को मिलना ही है। मैं कैसे बताऊं कि ये 8 लाख रुपए मेरे पास में कहां से आए? में 8 लाख रुपए मिले और तुम्हें ही मालूम नहीं कि ये कहां से आए? मुझे तो लगता है विनय और मधु के खून में भी तुम्हारा ही हाथ है। आप कौन से खून की बात कर रहे हैं सर? वही खून जो तुमने इन पैसों के लिए किए हैं। नहीं नहीं सर, मैं कैसे बताऊं, ये 8 लाख रुपए को मेरे दरवाजे पर रख कर चला गया। कहानी अच्छी है, मगर तुम्हारे दरवाजे पर 8 लाख रुपए कोई छोड़ के क्यों जाएगा? इज्जत कड़ी लगाओ। नहीं नहीं सर, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। और सुनो,
तुम बाहर ही पहरा देना। जी सर। आपको बुला रहा हूं। डॉक्टर, टेंशन की वजह से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। डरो मत, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम और तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद है? 16 11 77 नंबर याद है ना? एक शर्त छोड़ सकता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो रवि कहाँ है? पुलिस और तुम्हारे डर से छुपा हुआ। उसे बुलाओ, उसे कहना कि मैं उसे मारूंगा नहीं, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए मैं लोगों का खून करता फिरूं। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर खूनी कौन है? मैं हूं। अरे डैडी, मगर आप? हाँ, मैं ही संजीव हूँ। मैंने ही विनय और मधु का खून करके पैसे लेके विवेक के दरवाजे के बाहर रखे थे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं खून करूंगा। तुम एक आत्मा को कैसे मार सकते हो इंस्पेक्टर? मेरे बेटे को छोड़ दो। डैडी, डैडी, डैडी! हाँ, मैं इंस्पेक्टर मदन बोल रहा हूँ। क्या? अरे, ये तो वही मुर्दा है जो मुर्दा घर से गायब था। आकाश किधर गया? वो तो बीमार था। और पैसे, पैसे भी तो गायब है। साहब, पहले डॉक्टर आया, फिर 10 मिनट बाद आकाश साहब घर से बाहर चले गए अकेले। कहने लगे कुछ काम है अर्जेंटली। मैं अंदर देखने आया, आगे डॉक्टर अंदर कर क्या रहा है तो देखा ये लाश पड़ी हुई थी। सुनो, क्या आकाश कुछ अलग लग रहा था? हाँ मैडम, उनकी आवाज एक अजीब सी लग रही थी, एकदम खुरदरी। इसका मतलब जो आदमी यहाँ से गया है वो आकाश नहीं है, वो कोई और ही है। मतलब ये कि संजीव मुर्दों के शरीर में घुस यहाँ आया था इस मुर्दे के शरीर, और यहाँ आकर उसने आकाश को मारा। हेलो। हाँ बोलो। अच्छा? आकाश, आकाश कहाँ तुम? मैं रवि हूँ। आकाश, मैं यहाँ हूँ। आकाश, तुम्हारी आवाज बदली हुई थी क्यों? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजीव तुमसे मिलना चाहता है। कहाँ हो? मैं 4 लाख रुपए लेके आया हूँ। वो मुझे छोड़ देगा ना?
दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो तुम्हारे सामने है। मगर कहाँ? ठीक से देखो और पहचानो। सामने खड़ा है संजीव, तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक से देखो और पहचानो। रवि, तुमने धोखा दिया है, तुम्हें मरना होगा। मार दिया। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जो मेरे बेटे का था मैंने उसे वापस दिला दिया है। विवेक, ये पैसे लो बेटे और ठीक तरह से खर्च करना। मैं जा रहा हूँ हमेशा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।